हेलो स्टूडेंट, काफी सारे बच्चों के काफी टाइम से डिमांड थी थ्योरी, तो मैं थोड़ा सा काम में भी लगा हुआ था। क्लासेस से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो अब मैंने फाइनली थ्योरी, और ये थ्योरी मैं बता दूं आप सभी को जो आपके सामने दिख रहा है। ये सिंपली अगर मैं बताऊं तो ये 10 ईयर के ही क्वेश्चन है, और 10 ईयर से मैंने हर जगह से ढूंढ ढूंढ के एक जगह इसको क्या करा है, इकट्ठा कर दिया, और पास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन है सारे। तो मान के चलिए अगर आपके कॉस्टिंग में जो थ्योरी आएगी वो थ्योरी आती है लगभग, मान के चलिए एक क्वेश्चन थ्योरी का 15 नंबर का, तो इसी में से डेफिनेटली आपका वो 15 नंबर का आएगा। और 30 का भी अगर थ्योरी आता है सपोज करूँ तो इसी में से ही आएगा, ऑप्शन में मिलेंगे आपको अल्टरनेट में थ्योरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और हम देखते जाते हैं एक एक करके कि कौन कौन सा थ्योरी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा हमें करना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे मार्क करता जाऊंगा, टिक करता रहूंगा जो करना है आपने। पहला थ्योरी इम्पोर्टेंट है, और देखते जाइए जो पहले पेज पे थ्योरी है सारा इम्पोर्टेंट है, और साथ के साथ याद रखिएगा इसके सारे आंसर आपको शिवदास के 10 ईयर में मिल जाएंगे, इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दिया, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ अगर चाहिए। जिनको लिखना है, बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, वो लिख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे, और अब हम आगे आते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ मैं भी ये बता दूं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो होगा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है उसके ऊपर मैं टिक मार्क लगाता जाता हूँ। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आया हुआ तो सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन जो ज्यादा अक्सर पूछा जाता है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और चलते जाते हैं, एक ये आपका, इसके अंदर से भी मान के चलिए एबीसी वाला जो है ना, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें आने के चांसेस ज्यादा है। और आगे चलते जाते हैं चलते जाते हैं, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सारा ही करना है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं साथ के साथ स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए पेज नंबर 2 पे लिमिटेशन, कई बार अनेक बार पहला क्वेश्चन इसी में से आएगा, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैव अ मोड, इसी में से पूछा जाएगा लगभग। तो इसके बाद आ जाते हैं लीफो फीफो, बहुत बार पूछा जाता है, प्रैक्टिकल भी आएगा इसका मटेरियल का और ये भी आएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, बाकी करना तो सारा ही है लेकिन फिर उसके अकॉर्डिंग मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये ऑलरेडी ना ऊपर कवर हो चुका है इसलिए मैं यहाँ से इसको कट लगा देता हूँ, ये कवर हो चुका है तो आप इसको नोट मत करिएगा, क्योंकि जब लिख रहे थे तो सारा क्वेश्चन आ गया, फिर मैं इसे दोबारा लिखता तो आप तक आने में टाइम लग जाता। चलते जाते हैं ये, और दूसरी बात मैं बता दूं, ये बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों बच्चे के लिए है, सेम नोट्स। 6 की बात करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन, 6 तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, 7 भी करना है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आता है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में, मैं उसकी चर्चा करता जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब आ जाते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये इसमें मैंने क्रॉस लगा दिया स्टूडेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करीब ये 30 के आसपास थ्योरी है, और जिसने प्रैक्टिकल कर रखा होगा उसके समझ में ही आ जाएगा कि क्या थ्योरी है ये। चलिए सर, इसके अंदर और भी कोई इंपॉर्टेंट थ्योरी बताओ जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिन कार्ड स्टोर लेजर ये पूछा ही पूछा जाता है लगभग, और मैंने इसका थ्योरी को एक्सप्लेन भी किया है जब मैंने क्लासेस ली है मटेरियल वाले में, तो लास्ट सेकंड लास्ट क्लास में करा हुआ एक्सप्लेन। इसको ना करें, देखिए बस ओनली रीडेबल, जिसपे मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ओनली रीडेबल, क्योंकि ये पहले भी आ चुका है और बहुत रेयर चांसेस है कि आएगा। और हम आगे चलते हैं चलते हैं, 7 8 9 10, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप पॉज करके धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे, हाँ जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं इसमें, बैच कॉस्टिंग, वैसे ऊपर भी करा है मैंने, जस्ट जस्ट इन टाइम को ना जिट भी बोल देते हैं, कई बार ऐसा बोल देंगे कि एक्सप्लेन जिट, तो JIT कह देते हैं, तो बच्चा परेशान हो जाता है, सर ये जिट के आ गया, जस्ट इन टाइम परचेज होता है। एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेशन ये इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है ठीक है, आगे चलते जाते हैं। अब हाँ साहब, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको कट लगा देते हैं, ठीक है, इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ऊपर हम कवर कर चुके हैं।
तो कुछ एक क्वेश्चन मैंने कट लगा दिए हैं। अगेन कह रहा हूँ, एप्लीकेशन में जाइएगा, एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं देना। कैसे डाउनलोड करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखिए, मैंने डाला हुआ है, 3-4 नंबर पे मिल जाएगा, हाउ टू डाउनलोड पीडीएफ नोट्स, बीकॉम नोट्स के नाम से डाला हुआ है, मिल जाएगा इजीली आपको, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको हटा देते हैं, ये नॉट रेलिवेंट नॉट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये सारा का सारा ना लगभग लगभग ना हमने ऊपर कवर कर लिया है, तो क्वेश्चन 10-11 काट देते हैं। तो मैंने आप सभी बच्चों को इसमें से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताया। इसमें से देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन तो श्योरिटी है, पहला वाला इसी में से आना है। इसके साथ साथ जो क्वेश्चन बीच में भी ऑप्शन में मिलेंगे, डेफिनेटली आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो होपफुली आपको हेल्प मिले, जाइए एप्लीकेशन पर डाउनलोड करिए, जो नोट कर सकते हैं वो इमेजेस से नोट करिए। बीकॉम ऑनर्स वालों के अभी 20 को पेपर है, तो मैं प्रोग्राम वाले बच्चों के साथ शेयर भी करूँगा, और बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे तो फटाफट से बस रीड याद जैसे भी करना है वो कर सकते हैं। आंसर कहाँ मिलेगा, अगेन शिवदास के 10 ईयर पे मिल जाएगा आपको इजीली आंसर, कोई टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे इजीली आपको आंसर अवेलेबल हो जाएगा। जिनके पास बुक है बुक में भी मिल जाएगा, बुक में थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होगा, ठीक है बच्चों। तो बस आपको यही जानकारी देनी थी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर भी एक नोट्स लेके आऊंगा मैं आपके लिए। अब अगले नोट्स का तैयारी मैं करने वाला हूँ, पीटीपी पर्सनल टैक्स प्लानिंग का। तो होपफुली अपने दोस्तों में शेयर करिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने दोस्तों में ये शेयर करिए, बताइए कि इस तरीके से क्लासेस भी चल रही है, भाई पढ़ लो पास हो जाओगे, सेकेंड फेज के चक्कर में मत पढ़ो जल्दी से, तो वो सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों का बच्चों का बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है, और काफ़ी सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिले मेरी तरफ से है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा सभी बच्चों का। इनफैक्ट मैं लग के करूँगा, मैंने पूरी टीम इसके साथ बोला है कि जल्दी से जल्दी बच्चों का रिप्लाई करो। थैंक यू सो मच बच्चों, आप जुड़े रहिए और अच्छे से लर्निंग करिए, और बिल्कुल चैंपियन की तरह से रहिए, एकदम पूरा पेपर करके एक बार, जो 20 तारीख को पेपर है, चाहे आपका जून में पेपर है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, कॉस्टिंग में पूरा करके आना है। मैं हमेशा साथ रहूंगा आपके, और सारा करवाता जाऊंगा मैं।